नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल ही नए तरीके की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आज मैं आप लोगों के साथ दही भेजी सैंडविच शेयर करूंगी, और जो बहुत ही मजेदार रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल भी जाएंगी, और ये ऊपर से जितनी करारी है, कुरकुरी रहती है अंदर से, उतनी खाने में सॉफ्ट और उतनी कलरफुल रेसिपी है। तो आइए आज हम दही भेजी सैंडविच बनाते हैं। दही सैंडविच बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये दही ले रखा है, ये एक कटोरी दही है, और इसका मैंने पानी निकाल रखा है। मैंने इसको आधे घंटे छन्नी में रख करके और इसका पानी निकाल लिया था। ये हम एक कटोरी दही लेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून ये फ्रेश मलाई है, आप दूध की जो मलाई होती है उसको ले सकते हो। ये 2 चम्मच आएगी, छोटे चम्मच है, टीस्पून। इसके बाद हम इसमें सारा अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। थोड़ा सा मलाई और दही को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसमें हम सारी सब्जियां डालेंगे। ये मिक्स दही और वेजी सैंडविच है। इसमें ये आधा टमाटर है छोटा सा, ये छोटे साइज का था तो मैंने एक लिया है, अगर बड़ा हो तो आप आधा लेना। और इसके बाद और सब्जियां इसमें जाएंगी, जिसमें मैंने प्याज ले रखा है, मीडियम साइज की प्याज है, इसको बारीक बारीक काट रखा है। एक गाजर है, इसको मैंने बहुत बारीक ग्रेट कर रखा है, अगर आप बारीक ग्रेट करो तो अच्छा, नहीं तो बारीक बारीक काट लेना। ये इसमें पूरा जाएगा, एक गाजर जाएगी, एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च है, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च है। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मेरे यहाँ बच्चों को खाना है तो मिर्च कम डालूंगी, और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इसमें, और इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक जाएगा, मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डालूंगी इसमें, और थोड़ा सा चाट मसाला, 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें चाट मसाला जाएगा। और इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और आप जब बनाना होगा नमक तभी ऐड करिएगा, नहीं तो फिर दही हमारी पानी छोड़ देगी, तो फिर सैंडविच सही नहीं बनेंगे। ये जो पेस्ट है ये सारा पतला पतला सा हो जाएगा, और ब्रेड पे सही से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। और अच्छी तरीके से ये मेरा मिल गया, अब हम सैंडविच बनाने की तरफ चलते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने पैन को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ा रखा है, और हमारा पैन धीरे धीरे गर्म होगा, तब तक हम अपनी ब्रेड को तैयार करते हैं। ब्रेड को तैयार करने के लिए हमने एक नॉर्मल साइज की ब्रेड ली हुई है, अगर आपको सैंडविच ब्रेड मिल जाती हो तो आप वो ले सकते हो। मैंने व्हाइट ब्रेड ली हुई है, आपको अगर मल्टीग्रेन पसंद है, बीट वाला, आपको कोई भी ब्रेड ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और इसको पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा रखना है, और हर तरफ अच्छी तरीके से स्प्रेड हम करेंगे इसमें, अच्छी तरीके से मिलाते हुए। और ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें सब्जियां बहुत गई हुई हैं, आप चाहो तो इसमें और कुछ भी डाल सकते हो, गाजर को ग्रेट करके डाल सकते हो, गाजर तो मैंने डाली हुई है, आप इसमें चाहो तो खीरा भी डाल सकते हो, थोड़ा बहुत पालक भी डाल सकते हो, स्वीट कॉर्न डाल लो। और इसको अच्छी तरीके से एक लेयर हम इसमें लगाते हुए, और इसको हम दूसरी स्लाइड से ऐसे ढक देंगे, और हल्का सा हाथों से प्रेस कर देंगे ब्रेड को, कि हमारे ब्रेड अच्छी तरीके से एक दूसरे से चिपक जाए। हल्का सा तेल डालते हुए, बहुत ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, और इसको हाथों से प्रेस करते हुए ऊपर भी हल्का सा तेल लगाएंगे हम, और हल्का सा तेल लगाते हुए गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखेंगे। अगर हाई और मीडियम रखेंगे तो ब्रेड हमारी लाल हो जाएगी, और अंदर का मटेरियल है वो अच्छी तरीके से नहीं पकेगा। और इसको अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए हम दोनों तरफ से सेक लेंगे अपने ब्रेड को। ये हम अपने सैंडविच के ऊपर हल्का हल्का सा तेल लगाएंगे, आप चाहो तो किनारों से भी डाल सकते हो, मैंने ब्रेड के ऊपर हल्का सा तेल लगाया हुआ है, ऐसे तेल का हमें अंदाजा भी रहता है, बहुत ज्यादा तेल नहीं जाता है। और आप आराम से इसको पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेकिएगा। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां गई हुई है, दही है, और हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली है जो कि अनहेल्दी हो। मैं इसको थोड़ा सा और सेकूंगी, और थोड़ा सा करारा बनाऊंगी, और ये सैंडविच गरम गरम ही बहुत अच्छी लगती है, और बहुत फटाफट बनके तैयार हो जाती है। आप जब भी चाहो, रोज पराठा और पूरी कोई नहीं खाना चाहता है, तो इसके लिए आप अगर व्हाइट ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड या बीट ब्रेड लेते हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे ब्रेड पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आ चुका है, और हमारा दही और वेजी सैंडविच बनके तैयार है। मैं प्लेट करती हूँ इसको। ये मेरा सिंपल इजी सा दही वेजी सैंडविच बनके तैयार हो गया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए।